dear students, I hope you would have performed very good in your science exam, right? Now let's talk about next 3 days before SST exam. So firstly, I want to tell you this is my last video for the session 2021-22. But I'll not leave you during these last 3 days because आप में से बहुत सारे होंगे जो ये फील कर रहे होंगे कि टिल नाउ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, बट यू नो चिल्ड्रन, डोंट लूज हार्ट. आप ये 3 days प्रॉपरली यूज करो द वे आई एम गाइडिंग यू, यू विल सी द रिजल्ट्स. सो दीज 3 days आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप पूरा साल पढ़ते हो ना तो भी ये जो प्रेपरेटरी लीव्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती. अगर नहीं पढ़ते तो इसकी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गाइड यू थ्रू माई टेलीग्राम ग्रुप. लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन. यू मे ज्वाइन दैट बिकॉज आई हैव मेड अ स्मॉल प्लान फॉर यू. आप आज और कल मीन्स 10th and 11th May को यू आर गोइंग टू प्रिपेयर. फर्स्टली यू विल स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, दैट इज द इजिएस्ट पार्ट. Money and Credit Chapter, Globalization. Now, how you are going to prepare? You will on the video. Our video, मेरी जो videos हैं उसे आप टीवी पे चलाइए, LCD के थ्रू चलाइए, बुक लीजिए एंड प्रिपेयर दैट चैप्टर. स्टार्ट फ्रॉम जीरो इवन, यू विल बी एबल टू डू वेरी गुड. देन वीडियो प्लस बुक. आफ्टर दैट आई गिव यू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इन माई टेलीग्राम ग्रुप. तो कल इवनिंग में आपको वो मिल जाएंगे, बट बिफोर दैट यू विल प्रिपेयर एंड यू विल ऑल्सो प्रिपेयर. आफ्टर डूइंग दीज टू चैप्टर्स यू विल ऑल्सो प्रिपेयर हिस्ट्री चैप्टर. अगेन द सेम मैथड, वीडियो, बुक एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स विच आई पोस्ट इन द टेलीग्राम ग्रुप, राइट? हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. देर इज वन वीडियो ऑफ रिविजन एंड इवन आई मेड अ प्लान जिसमें आपको हर वीडियो का, हर चैप्टर की वीडियो का लिंक प्रोवाइडेड है. आई पोस्ट दैट ऑल्सो इन टेलीग्राम ग्रुप. देन ऑन 12th ज्योग्राफी एंड सिविक्स शुड बी डन. आप अगेन उसकी वीडियो वॉच कीजिए, बुक लीजिए एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. नाउ मैप क्वेश्चन. आई विल ऑल्सो सेंड यू द मैप प्रैक्टिस. हाउ कैन यू डू दैट? सेकेंडली मैप क्वेश्चन. ऑन 13th May we will practice important question answers. It can be sample paper, it can be tryouts, it can be just questions, it can be map questions. So please follow this. Secondly, while practicing maps, aapko sirf 30 minutes chahiye. Open your book. Jo syllabus hai, I'll post that also for you. Jo map syllabus hai, aap uski screening karenge apni book mein. You will take a pen or pencil. उसे एनसर्कल करेंगे जो भी आपके सिलेबस में गिवन है इन योर बुक. आफ्टर दैट जस्ट प्रैक्टिस दोज इन द मैप. आप पता है मैप क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि बुक में बहुत ज्यादा मैप्स हैं, बट आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है. तो विद इन 30 मिनट्स यू कैन इजिली प्रिपेयर फॉर योर मैप क्वेश्चन, राइट? तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑन वर्ड्स. स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स. Right now on 14th, what are you going to do on 14th when paper will be in front of you? Tab aap understand karenge each and every question, right? Not just passive reading but understanding of the question. Ke question pucha kya ja raha hai, how, why, what's the question actually, you need to understand. Secondly, answer in points only, no paragraphs please. And the last important point, आप exam time में you will realize कि आपको आपके जो 2 hours हैं these have to justify your whole session, right? Take responsibility of that and instead of focusing here and there, just focus on your paper. I know, I believe आप बहुत अच्छा करेंगे. All the very best. God bless you.